विकास कार्यों को लेकर प्रदेश के हर जिले में विधायक अपनी बात रख रहे हैं। जालौन जिले के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने 3 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन से कार्य किए, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। विधायक जी, 3 साल सरकार को पूरे हो गए हैं, इन 3 सालों में आपके द्वारा कौन से प्रमुख कार्य कराए गए हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जो जनता की आवाज पर उन्होंने बुंदेलखंड को विशेष पैकेज देने का काम किया है और उन्हीं के माध्यम से मैंने अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा के अंदर 3 साल के अंदर 6 करोड़ के विधायक निधि से काम कराए हैं। सबसे प्रथम मैंने जो दिव्यांग विकलांग लोग हैं, जो व्यापार लिए जा नहीं सकते हैं, उनको ऐसे 11 लोगों को मोटर ट्राई साइकिल अपने विधायक निधि से जो उसमें अंशदान लगता है वो मैंने देखे काम पूरे किए हैं। इसी तरह मैंने सभी समाज के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, आज इस महंगाई के दौर में अपने कार्यक्रम को करने के लिए, छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए उनको धर्मशाला और लॉजों की जरूरत पड़ती है। अपने विधायक निधि से ऐसे, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो दोहरे समाज हो, चाहे वो जाटर समाज हो, चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे कुशवा समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे वो राठौर समाज हो, चाहे सोनकार समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, ऐसे सभी जातियों के धर्मशाला के लिए मैंने अपने विधायक निधि से 80 लाख रुपए देने का काम किया है। इसी तरह मैंने हमारे विधानसभा में जो अच्छे शिक्षा देने के संस्थान हैं, चाहे वो शिशु मंदिर हो, चाहे गांधी इंटर कॉलेज हो, चाहे गांधी महाविद्यालय हो, चाहे जुगल देवी हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज हो, ऐसे तमाम विधानसभाओं में अच्छे जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय के स्कूलों को मैंने 1 करोड़ 84 लाख रुपए देने का काम किया है। नहीं विधायक जी, और अगर हम रोड की बात करें, सड़क की बात करें, सीसी की बात करें, ये एक प्रमुख रहता है विकास की बात, तो ऐसा कितने जो आपने आपकी तरफ से कार्य कराए गए हैं? मैंने ऐसे जो सड़कों के काम है, मैंने बुंदेलखंड विकास निधि से अपने विधानसभा से 172 जो गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां मैंने अपने बुंदेलखंड विकास निधि से और विधायक निधि से, क्योंकि बुंदेलखंड विकास निधि 1 साल में 5 करोड़ की लगभग मिलती है, 3 साल में 15 करोड़ को, और कुछ विधायक निधि से, कुछ सूडा और डूडा के माध्यम से हमने अपने सीसी ओरिएंटल लोगों के काम कराने का काम किया है। आज इसी तरह चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, आरईएस की सड़कें हों, जिला पंचायत की सड़कें हो, मंडी विभाग की सड़कें हो, सिंचाई विभाग की सड़कें हो, जो 2017 के पहले जर्जर की स्थिति में थी, लोग चल नहीं सकते थे, आज अपनी विधानसभा में 90% सड़कें अच्छी हो गई, ठीक हो गई। विशेष रूप से चाहे गोविंदन से लेकर जालौन तक फोर लाइन हो, वो जालौन से लेकर कोंच तक आरसीसी हो, उरई से अजनारा तक आरसीसी हो, और हम सब लोग कौन से उरई आने के लिए बहुत मकसद करने पड़ती थी, बहुत एक्सीडेंट होते थे, आज उरई से कौन जाने के लिए सड़क बहुत अच्छी हो गई है और सरकार ने इस सड़क को चौड़ीकरण करने का भी वादा किया है और 7.5 मीटर ये सड़क चौड़ी होगी, इसका टेंडर भी लग गया है। इसी तरह बिजली का भी, जो 2017 के पहले सरकार 10 घंटे और 12 घंटे बिजली देती थी, किसानों के निजी ट्यूबवेल के माध्यम से, सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से उनको सिंचाई हो रही है, जिससे उनकी आय दोगुनी होने की, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की आय दोगुनी कराएंगे, वो दोगुनी होने की कगार पर है। इसी तरह हमारे क्षेत्र में अन्ना पशुओं का बहुत मामला था, आज धीरे धीरे सरकार के माध्यम से 14 बड़ी गौशालाएं और 300 स्थायी और अस्थायी गौशाला बनाकर 20,000 पूरे जनपद जालौन में पशु को रखने का, वहां पशु को शरण देने का काम किया जा रहा है, जो कि किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है और किसानों की फसलें इससे बच रही हैं। अभी अभी हाल में हमारे क्षेत्र में अति बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, 13 दिसंबर 2019 को
अति विशेष ओला बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि का मुआवजा मात्र 2 महीने के अंदर 4,57,00,000 रुपए मेरी विधानसभा के 26 गांव में जो हुई थी उनको देने का काम किया है। इसी तरह माह सितंबर में जो नदियों की बाढ़ के होने के कारण 12 गांव में बाढ़ आई थी, उन गांव में जो क्षति हुई थी उस क्षति को 2,63,00,000 रुपए देकर उन जो बेघर लोग हो गए थे उनको पुनः आवास देने का और उन्होंने काम किया गया है। 2 साल बचे हुए हैं, अब क्या लक्ष्य है, क्या चीज की कमी रह गई है जिसको पूरा करने की बात करेंगे, जनता तक पहुंचने की बात करेंगे? मेरी विधानसभा में 2 साल बचे हैं लेकिन कुछ काम बहुत अति आवश्यक हैं जिसको मैं 3 साल से प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय उरई विधानसभा में नहीं है, ना जनपद जालौन में है, उरई नगर की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है, जबकि यहाँ केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए था, नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय उरई में बनाया जाए। इसी तरह इस जनपद जालौन में कोई राजकीय इंजीनियर कॉलेज नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजकीय पॉलिटेक्निक के बगल में जगह पड़ी है उसमें राजकीय इंजीनियर कॉलेज की स्थापना की जाए। इसी तरह कई काम जो 2017 के पहले नहीं थे, चाहे जिला पुरुष अस्पताल में ट्रामा सेंटर हो, सिटी स्कैन हो, डायलिसिस मशीन की स्थापना हो, चाहे डिजिटल कैमरा हो, ये 2017 के पहले कुछ नहीं थी लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरी बात सुनी और जिला मुख्यालय पे इन्हें चारों चीजों की, सिटी स्कैन की, डायलिसिस की, ट्रामा सेंटर की और डिजिटल कैमरे की स्थापना कराकर यहाँ की जनता के साथ उन्होंने न्याय किया है। विधायक जी, अगर हम पर्यटन की बात करें तो उरई विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ बहुत ही संभावना है, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं और आगे जाकर क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी मंदिरों की लिस्ट मांगी गई थी और मुझसे पर्यटन स्थल का चयन करवाने के लिए उन्होंने कहा, तो मैंने अपनी विधानसभा में 4-5 ऐसे पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पर्यटन स्थल की ज़्यादा संभावना है, जैसे कि लखदंतका माई है, बैरागढ़ में शारदा माई है और रोना में सलाघाट जागेश्वर धाम सलाघाट है, इसी तरह जालौन में छठी माता मंदिर है और एक और पर्यटन स्थल है जिसको हम कामाख्या माई कहते हैं। इसी तरह हमारे क्षेत्र में 4-5-6 पर्यटन स्थल है और मैंने चयन करते समय सबसे पहले माँ लखदंतका माई का ध्यान रखा है कि उनको पर्यटन स्थल में शामिल कर लिया जाए और वो शामिल भी हो गया। इसी तरह मैंने मांग की थी तो तुरंत योजना के माध्यम से, नेडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरी बात को सुनी और उन्हें तुरंत योजना में एक प्रोना से लेकर जागेश्वर सलाघाट तक एक बड़ियल 5 करोड़ की सड़क बनवा दी है। इसी तरह मैंने मबई से बीरपुरा तक 5 किलोमीटर की पक्की सड़क बनवाई है और बैरागढ़ जाने के लिए अभी हम लोग हरदोई से बैरागढ़ जाते थे, धगवां से अकोड़ी तक रास्ता खराब थी, उन्होंने 2.25 किलोमीटर अभी सड़क स्वीकृत हुई है, उसका भी टेंडर लग गया है। इसलिए जितने भी हमारे क्षेत्र है पर्यटन स्थल के सभी सड़कों से जुड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष रूप से उन्होंने बुंदेलखंड को एक्सप्रेस घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम, सिंचाई के साधन पूरे हो सके इसलिए उन्होंने सभी जगह नहरों बंबों की सफाई और हर घर को, हर गरीब को आवास, हर घर को शौचालय और इसी तरह हर किसान को फसल बीमा देने का काम किया है और हर आम नागरिक को, हर महिला को सुरक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसी तरह 112 एम्बुलेंस के माध्यम से जनता को सुरक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विशेष रूप से हर बार हर सदन में बुंदेलखंड की चर्चा करते हैं और बुंदेलखंड पे विशेष उनका ध्यान आकर्षित है। इस समय बुंदेलखंड विकास की गति पे उत्तर प्रदेश योगी के कार्यकाल में आगे बढ़ रहा है। हम निश्चित रूप से आज उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी उरई विधानसभा की जनता उनकी प्रशंसा कर रही है, धन्यवाद। तो जैसा पिछले 3 साल में जो इन्होंने वादे किए थे सदर विधायक ने वो लगभग पूरे किए हैं और बचे हुए 2 साल में जो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो,
ऐसी चीजें वो पूरा करेंगे 2 साल में जिससे यहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। वरुण द्विवेदी, जीएमडी न्यूज, जालौन। धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित।